एक दिन नगर कोतवाल एक व्यक्ति को पकड़कर दरबार में लेकर आता है। बादशाह के सामने पेश कर उसका अपराध सुनाते हुए बोलता है, हजूरे आला, ये आदमी तो बहुत ही मनहूस है। इसकी वजह से नगर के लोगों को इतनी तकलीफें होती हैं कि पूछिए मत। सैकड़ों लोगों की शिकायतें आ चुकी हैं। एक कहता है कि वो अपनी बेटी की सगाई लेकर जा रहा था, सुबह सुबह इसकी सूरत देख ली और सगाई टूट गई। दूसरे की शिकायत ये कि वो शिकार को जा रहा था, शिकार पर निकलते ही इसकी शक्ल देख ली तो शिकार तो दूर, घोड़े से गिरकर वो लंगड़ा हो गया। तीसरे की शिकायत ये कि उसने इसकी शक्ल देख ली तो उसका लड़का ही मर गया। और चौथे की शिकायत रखता उससे पहले ही बादशाह ने हाथ उठाकर कहा, बस बस, अब इस व्यक्ति को भी तो कुछ कहने को मौका दो। फिर बादशाह ने दरबार में लाए हुए व्यक्ति से कहा, भाई तुम भी तो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते होगे। इस पर वो व्यक्ति बोलता है, महाराज लोग ऐसा कहते हैं, इसलिए मैं अपनी सफाई में क्या कहूं। दरबारियों में से एक ने कहा, ऐसे मनहूस इंसान को ना अपने देश से निकाल दीजिए, वरना इसकी मनहूसियत का साया पड़ने से जनता को आए दिन तकलीफें भोगनी पड़ेंगी। उस दरबार में बीरबल भी बैठे थे, वो चुपचाप सारी बातें सुनते जा रहे थे। बादशाह भी ऐसे अंधविश्वास भरी बात पर स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, मगर शिकायतों पर भी ध्यान देना जरूरी था। सो उन्होंने कहा, ठीक है, ये मैं खुद आजमाऊंगा और उसके बाद ही कोई निर्णय करूंगा। ये कहकर उस मनहूस व्यक्ति को उस रात बादशाह ने महल में ठहरा दिया। अगले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले वो उसका मुंह देखने के लिए गए। मनहूस को जगाकर उसका मुंह देखा। इत्तेफाक की बात कि उस दिन बाहर से कुछ मेहमान बादशाह के पास आए और पूरा दिन सलाह मशवरा किसी न किसी बात पर चलता रहा। उनके साथ बादशाह कुछ ऐसे बिजी हुए कि सुबह से शाम हो गई और अन ही नसीब नहीं हुआ। शाम को थके मांदे बादशाह आराम करने को लेटे तो उन्हें ये बात ध्यान में आई कि आज तो अन्न और जल भी नसीब नहीं हुआ। तभी किसी चापलूस दरबारी ने उनका ध्यान दिलाया, ये सब उस मनहूस की शक्ल देखने का नतीजा है बादशाह साहब। अब तो उन्हें भी यकीन हो गया। उन्होंने तुरंत दरबार लगवाकर मनहूस को दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया और सजा सुनाई। कल इस मनहूस के बारे में कहा गया था कि इसे देश निकाला दे दिया जाए, मगर मेरे विचार में ये सजा कम है, क्योंकि ये जहां भी जाएगा बाकी लोगों को भी कष्ट पहुंचाएगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ। आज सुबह सुबह मैंने इसका मुंह देखा और सारा दिन बीत गया, अन्न और जल भी नसीब नहीं हुआ। ऐसे मनहूस व्यक्ति के लिए बस एक ही सजा है, इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। फांसी की सजा सुनते ही मनहूस के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसी वक्त बीरबल ने कहा, महाराज मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या मुझे मनहूस से कुछ पूछने की इजाजत है, बीरबल ने कहा। इस पर बादशाह कहते हैं, क्यों नहीं, जो कुछ पूछना है पूछो ना। इस पर बीरबल उस मनहूस व्यक्ति से पूछते हैं, भाई मनहूस एक बात बताओ, और हाँ डरना नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी सजा नहीं मिलेगी, बस इतना बता दो कि आज सुबह सुबह तुमने किसका मुंह देखा था जिसकी मनहूसियत के साए में तुम्हें यह सजा सुनाई गई। मनहूस डरते डरते बोलता है, हजूर बादशाह सलामत ने ही आकर मुझे जगाया था, इनका ही मैंने मुंह देखा था। इस पर बीरबल अपने बादशाह की तरफ मुंह करके कहते हैं, बादशाह सलामत अब आप इस बात का न्याय कीजिए, आपने इस मनहूस का मुंह देखा तो आपको अन्न और जल ना मिला, इसने आपका मुंह देखा तो इसे फांसी की सजा सुनने को मिली। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सबसे बड़ा मनहूस कौन हुआ। इस तरह उस आदमी की जान बच गई और बादशाह पर तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया। चख ले जरा।